Good morning, student. I am Pratiksha Gyan from Sunita Group. अपन का चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया था. इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने आपको करवा दिए थे. आज अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, विच इज चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. इस चैप्टर में अपन मोस्टली कार्बन के बारे में रीड करेंगे. सबसे पहले देखेंगे बॉन्डिंग इन कार्बन. कार्बन में कौन सा बॉन्ड होता है? टू वैलेंट बॉन्ड के बारे में अपन रीड करेंगे. फिर अपन देखेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन. कार्बन का वर्सेटाइल नेचर क्या होता है? कार्बन के नेचर के बारे में अपन रीड करेंगे. फिर अपन देखेंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं. फिर अपन देखेंगे चेन, ब्रांचेस और रिंग्स, इन सब के बारे में अपन देखेंगे. स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो भी अपन देखेंगे. इसमें होमोलोगस सीरीज क्या होता है? नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड कैसे होगा? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, उसमें क्या क्या आता है? कंबशन आता है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है कार्बन की. ऑक्सीडेशन आता है, कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. फिर अपन देखेंगे सब इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड जैसे कि एसिडिक है, कार्बन की कंपाउंड है. फिर प्रॉपर्टीज ऑफ देखेंगे इथेनॉल की प्रॉपर्टीज देखेंगे, इथेनॉइक एसिड की प्रॉपर्टीज देखेंगे. फिर अपन देखेंगे सोप एंड डिटर्जेंट, सोप और डिटर्जेंट कैसे फॉर्म होता है. उसके बाद में अपन इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. तो अपन स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से. बॉन्डिंग इन कार्बन, यानी कि कार्बन में कौन सी बॉन्डिंग होती है? कोवैलेंट बॉन्ड होता है कार्बन में, जिससे दो कार्बन एक दूसरे से अटैच रहते हैं. इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, यानी कि अपन आयोनिक कंपाउंड के बारे में देखा था. वी सॉ दैट द आयोनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि आयोनिक जो कंपाउंड होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट. कार्बन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी प्रेजेंट होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं. वी ऑल्सो सॉ हाउ द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन आयनिक कंपाउंड एक्सप्लेन दीज प्रॉपर्टीज. अपने नेचर भी देखा था बॉन्डिंग आयनिक कंपाउंड का, वो कैसे एक्सप्लेन करता है प्रॉपर्टीज. लेट अस नाउ स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, प्रॉपर्टीज ऑफ सम कार्बन कंपाउंड, यानी कि अपन किसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे? कार्बन कंपाउंड की. मोस्ट कार्बन कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि कार्बन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती. एज वी हैव सीन इन चैप्टर 2 फ्रॉम द डाटा गिवन टेबल 4.1 ऑन द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बन कंपाउंड. अपने चैप्टर 2 में देखा था कार्बन का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. वी फाइंड दीज कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू आयनिक कंपाउंड, यानी कि आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है किसके कंपेयर में? कार्बन के. वी कंक्लूड दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. क्या बोल रहे हैं? जो दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी उसको कितना अच्छे से पकड़ के रखते हैं, दोनों के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स होगा वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है. Since these compounds are largely non-conductors of electricity, we can conclude that the bonding in these compounds does not give rise to any ions. यानी कि क्या बोला है? इन सब इन जो कार्बन कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये ना इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करता, इस वजह से ये क्या आयंस नहीं दे पाता है. इन क्लास 9 वी लर्न अबाउट द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वेरियस एलिमेंट एंड हाउ इट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. यानी कि अपन ने क्या देखा था? कार्बन या कोई भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी देखी थी, यानी कि वो किस तरीके से कंबाइन होता है और किस पे डिपेंड करता है. द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन, अब अपन देखेंगे कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6. याद रखना कार्बन 6 क्या है? What will
would be the distribution of electron in various cell. अपने मैंने आपको बताया था कि cell होता है, cell में किस type से distribution होगा. How many valence electron will carbon have? Carbon के पास कितने valence electron हैं? We know that the reactivity of element is explained as their tendency to attain completely filled outer shell. अपन याद है मैंने आपको बताया था कि जो सबसे outer most shell होता है, उसमें अपने जो जो शेल होते हैं वो पूरे कंप्लीट होने चाहिए, पूरे फील्ड होने चाहिए. अगर फील्ड नहीं होगा तो वो क्या करेगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन को किसी और को दे देगा. दैट इज अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. एलिमेंट्स फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड अचीव दिस बाय आइदर गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल. क्या करते हैं, आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को देते हैं या फिर लेके अपना जो शेल है वो कंप्लीट करते हैं. इन केस ऑफ कार्बन इट हैज फोर इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल. कैसे, कार्बन एंड कार्बन के जो बाहर वाला फर्स्ट शेल होगा उसमें होंगे दो इलेक्ट्रॉन, फिर पीछे कितने बचेंगे, सिक्स में से दो चलेगा तो पीछे बचेंगे फोर, तो यानी कि इसके आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, फोर. एंड नीड टू गेन और लॉस फोर इलेक्ट्रॉन टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. यानी कि इसको या तो ये फोर इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे किसी को या तो उसको इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे ताकि क्या बन सके, मतलब पूरा कॉन्फिगरेशन कम्प्लीट हो सके. If it is, if it were to gain or lose electron, it could gain 4 electron forming C4 minus anion. यानी कि क्या होगा, अगर ये 4 electron लेता है, but it would be difficult for the nucleus with 6 proton to hold on 10 electron, that is for 4 extra electron. यानी कि क्या बोलना, अगर ये कार्बन है, अगर इस फोर इलेक्ट्रॉन जो पीछे आउटर मोस्ट शेल में बचे, ठीक है, अगर वो कार्बन और फोर इलेक्ट्रॉन को लेता है तो लेगा तो क्या बन जाएगा, एनायन, यानी इस पे क्या निशान आ जाएगा, माइनस का. बट इट कुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विथ सिक्स प्रोटोन. और मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटोन भी होता है न्यूट्रॉन भी होता है, ठीक है. अब प्रोटोन के, प्रोटोन तो सिक्स है, अब देखो जब पहले से सिक्स थे, ठीक है, अब इसने फोर और ले लिए इलेक्ट्रॉन तो कितने हो गए टोटल टेन, ठीक है. अब जो सिक्स प्रोटोन है जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट है उसके लिए टेन इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद सिक्स प्रोटोन, ठीक है, प्रोटोन भी सिक्स ही है, टू होल्ड ऑन टू द टेन इलेक्ट्रॉन. यानी कि मुश्किल हो जाएगा जब सिक्स प्रोटोन टेन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखेगा या होल्ड करके रखेगा. दैट इज फोर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन. यानी कि क्या मतलब हुआ, फोर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए. अगर इट कुड लॉस फोर इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग सी फोर पॉजिटिव कैटायन. और मैंने जब बताया था अगर कार्बन फोर इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो जब देता है तो क्या आता है, पॉजिटिव आता है, तो सी कैटायन बन जाएगा. बट इट वुड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू मूव फोर इलेक्ट्रॉन. लेकिन इसको ना बहुत, कार्बन को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिएगी इन फोर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए. इलेक्ट्रॉन लिविंग बिहाइंड अ कार्बन कैटायन विद सिक्स प्रोटोन. इसके अंदर भी सिक्स प्रोटोन है, ठीक है, यानी कि जो पीछे बचा है, पीछे कितने बचेंगे, टू इलेक्ट्रॉन बचेंगे, टू होता है फिर फोर होता है फिर एट होता है, ठीक है. लेकिन कार्बन के पास सिक्स ही है तो टू इसमें आ गया, फोर इसमें आ गया, टोटल हो गया सिक्स. पहले इसने क्या क्या दिया था, सॉरी पहले लिया था, अब ये क्या कर दे रहा है, तो जब मिलेगा तो इसको बहुत ज्यादा कार्बन को एनर्जी चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए. जब ये निकालेगा तो जो पीछे जो पीछे जो टू इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो प्रोटॉन क्या करेंगे, फोर इलेक्ट्रॉन लिविंग बिहाइंड कार्बन कैटायन विद सिक्स प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस लिव ऑन टू जस्ट टू इलेक्ट्रॉन. तो ये ना अनबैलेंस हो जाएगा, क्यों हो जाएगा अनबैलेंस, यानी कि जो पीछे कितने बचेंगे, टू इलेक्ट्रॉन ही बचेंगे, सिक्स प्रोटोन सिर्फ टू इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखे होंगे. तो क्या हो रहा है, देखो कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग विद वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम ऑफ कार्बन और विद एटम ऑफ अदर एलिमेंट. कार्बन क्या कर रहा है, इसका शेयर करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है. नॉट जस्ट कार्बन बट मैनी अदर एलिमेंट फॉर्म मॉलिक्यूल बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन इन दिस मैनर. क्या करते हैं, वो अलग अलग मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं अगर वो किसी को भी अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देंगे, ठीक है. द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू द आउटर मोस्ट शेल. जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो रहे हैं वो अपने से आउटर मोस्ट शेल में ही रहेंगे.
of both the atom and lead to both atom attaining the noble gas configuration. क्या बोल रहा है जो इलेक्ट्रॉन नब्बे के बजाय जो ना इलेक्ट्रॉन शेयर तो हमेशा एटम और सेल में होता है चाहे वो एटम के हो या फिर कोई भी दूसरा एटम भी क्यों ना प्रेजेंट हो. बिफोर गोइंग ऑन टू द कंपाउंड ऑफ कार्बन कार्बन कंपाउंड पे जाने से पहले लेट अस लुक एट सम सिंपल मॉलिक्यूल फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. पहले सिंपल से मॉलिक्यूल देखते हैं जो कि शेयर से बने गए थे जब इलेक्ट्रॉन को शेयर किया गया था तब वो बने थे. The simplest molecule formed in this manner is that of hydrogen. यानी जो सबसे simplest जो molecule बना था जब इलेक्ट्रॉन को शेयर किया गया था तो उसको कौन सा था hydrogen. As you have learned earlier, the atomic number of hydrogen is 1. आप सबको याद आना चाहिए जो atomic number होता है hydrogen का वो होता है 1. Hence hydrogen has one electron. के शेल और सबसे फर्स्ट जो शेल होता है उसको हम बोलते हैं के शेल यानी कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ओनली वन एंड इट रिक्वायर वन मोर इलेक्ट्रॉन टू फिल द के शेल. और इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए और इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या करने के लिए अपना शेल को कंप्लीट करने के लिए. सो टू हाइड्रोजन एटम शेयर द इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन यानी कि एक और हाइड्रोजन होगा अपना मॉलिक्यूल के साथ शेयर करेगा और शेयर करके क्या बना देगा H2. ठीक है. This allow each hydrogen atom to attain electronic configuration of the nearest noble gas. यानी कि noble gas होती है gas के अंदर जितने भी hydrogen होते हैं वो अपने साथ ऐसे ही दूसरे के साथ pair करके complete अपना share करते हैं. देखो जैसे ये एक hydrogen का molecule है ये दूसरा hydrogen का molecule है दोनों शेयर करके एक electron इसका और एक electron इसका तो यानी एक इसका मिलके दो electron बना ले तो दो से क्या जाएगा पूरा वो जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है वो स्टेबल हो जाए. हीलियम व्हिच हैज टू इलेक्ट्रॉन इन इट्स के शेल वी कैन डिपिक्ट दिस यूजिंग डॉट और प्रोसेस टू रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन. द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी कॉन्स्टिट्यूएंट अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि ये हाइड्रोजन है ठीक है और ये हाइड्रोजन है ये अपना एक मॉलिक्यूल इसको दे रहा है सॉरी इलेक्ट्रॉन ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे हैं यानी कि दोनों शेयर कर जब शेयर करके जब एक बॉन्ड बनाते हैं इसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि सिंगल बॉन्ड बनता है. देखो एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉन से जब इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो बनाते हैं बॉन्ड. इस बॉन्ड को बोला जाता है कोवैलेंट बॉन्ड. इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय लाइन बिटवीन द टू एटम्स. ठीक है टू एटम्स के बीच में जो लाइन होती है इसको अपन बोल सकते हैं कोवैलेंट बॉन्ड. द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17. व्हाट वुड बी इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड इट्स वैलेंसी. ठीक है जैसे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है 17 है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगी और इसकी वैलेंसी क्या होगी अपन को ये फाइंड करना है. क्लोरीन फॉर्म द एटॉमिक मॉलिक्यूल. जब क्लोरीन है वो क्या फॉर्म करेगा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल. Cl2 कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर दिस मॉलिक्यूल. नो दैट ओनली द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन नीडेड टू बी डिपैक्टेड. क्या इसका डायग्राम बना सकते हो यानी कि इसका स्ट्रक्चर. इन केस ऑफ ऑक्सीजन we see the formation of a double bond between two oxygen atom. देखो ऑक्सीजन जब अपन ऑक्सीजन का देखते हैं तो अपन देखेंगे दो बॉन्ड बन रहे हैं. कैसे ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 होते हैं. ठीक है 1 2 3 4 5 और 6 इस ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन होंगे 1 2 3 4 5 6. देखो एक इलेक्ट्रॉन एक इससे बॉन्ड बना रहा है दूसरा इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना रहा है दो बॉन्ड हो गए. ठीक है दिस इज बिकॉज एन एटम ऑफ ऑक्सीजन हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन एल शेल एंड इट रिक्वायर टू मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्सीजन. इसको दो और इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है तो जो एक ऑक्सीजन होता है वो अपने दो इलेक्ट्रॉन को दूसरे ऑक्सीजन के एटम को मॉलिक्यूल को देता है. जैसे कि हमने डायग्राम में दिया है कितना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8
दो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन भी कंप्लीट हो गए, इस ऑक्सीजन के भी कंप्लीट हो गए, यानी कि आप देखो अगर ऐसे देख लेना इस ऑक्सीजन के पहले दो इलेक्ट्रॉन थे, इस ऑक्सीजन के भी यहाँ पे दो थे, जब अपन पूरा सर्कल बनाएंगे तो पूरे चार इलेक्ट्रॉन तो साथ मिलेंगे, तो कितना हो जाएगा इस ऑक्सीजन के एट, फिर जब इसके काम करेंगे तो इसके भी कितना जाएंगे एट, यानी कि बॉन्ड क्या करते हैं बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, यानी कि इस ऑक्सीजन के लिए भी काउंट होगा और इस ऑक्सीजन के लिए भी ये काउंट होगा। सो ईच एटम ऑफ ऑक्सीजन शेयर टू इलेक्ट्रॉन विद अनदर एटम ऑफ ऑक्सीजन, ये वाज द स्ट्रक्चर शोन इन फिगर 4.3। द टू इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड बाय ईच ऑक्सीजन एटम गिव राइज टू टू शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दिस इज सेड टू बी कंसीडर्ड डबल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, यानी ये क्या हो रहा है डबल बॉन्ड है, ठीक है, पहले सिंगल बॉन्ड था अब डबल बॉन्ड है। कैन यू नाउ रिपीट अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर शोइंग द नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन वन ऑक्सीजन एटम एंड टू हाइड्रोजन एटम, देखो अगर अपन वाटर का देखते हैं वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O, यानी कि H कितने हैं दो और O कितने हैं वन, सबसे पहले ऐसे लिखते हैं, ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल होते हैं 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, हाइड्रोजन के वन होता है वन, इसका हाइड्रोजन का वन, अब हाइड्रोजन को अपने शेल कंप्लीट करने के लिए कितने मॉलिक्यूल्स की नीड होती है वन की, तो ये अपना एक मॉलिक्यूल किससे लेगा ऑक्सीजन से, ठीक है, और ये वाला हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल किससे लेगा ऑक्सीजन से, तो ये बन जाएगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ से एक बॉन्ड एक यहाँ से बॉन्ड, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। डज द मॉलिक्यूल हैव सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, सिंगल सिंगल बॉन्ड बन रहे दो, व्हाट वुड हैपन इन केस ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, तो अपन नाइट्रोजन का देखते हैं, नाइट्रोजन हैज एटॉमिक नंबर 7, नाइट्रोजन कितना नंबर होता है 7, नाइट्रोजन के 7 होते हैं एटॉमिक नंबर, व्हाट वुड इट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड इट्स कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑर्डर टू अटेन है, ओके सबसे पहले नाइट्रोजन के देखते हैं 7 होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि देखो 7 होता है इसके इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तभी कैसे बनेगा फर्स्ट शेल सेकंड शेल, फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं पीछे बचेंगे 5, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं सेकंड शेल में, तो देखो 5 इलेक्ट्रॉन का अपन लेंगे एंड जो सेकंड जो आउटरमोस्ट शेल होता है ना अपन उसके इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, तो एन ले लिया यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे 3 हो गए, जैसे कि यहाँ पे देखो n 1 2 3 4 5 1 2 3, इस एन का 4 और 5, अब देखो एक ये बॉन्ड बन रहा है दूसरा ये बॉन्ड बन रहा है थर्ड ये बॉन्ड बन रहा है, यानी कि जो एन में है नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड बनते हैं 3 बॉन्ड बनते हैं, वैसे ही इसी सेट पे भी ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एंड टू एनिस ट्रिपल कैन बी डिफेक्टेड, यानी कि जैसे एन नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड बनते हैं। अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया हैज NH3, वैसे आप इसका भी डायग्राम बना के देखो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल शो हाउ ऑल 4 एटम अचीव नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, विल द मॉलिक्यूल हैव सिंगल एंड डबल और ट्रिपल बॉन्ड, क्या जब अपन NH3 का डायग्राम बना के देखेंगे तो उसमें अपन को दिखेगा कि ना यहाँ सिंगल है या फिर डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड, कौन से बॉन्ड बन रहे हैं। उसी तरीके से देखो लेट अस नाउ टेक अ लुक एट मीथेन, मीथेन अपन बनाएंगे विच इज अ कंपाउंड ऑफ कार्बन, मीथेन क्या है कार्बन का ही कंपाउंड है, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है मीथेन इज वाइडली यूज एज अ फ्यूल, यानी मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, कार्बन के कितने होते हैं देखो यहाँ से बनता है इसका स्ट्रक्चर, यानी कि हर अपने से शेयर करता है, मीथेन इज वाइडली यूज एज अ फ्यूल एंड इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस, मीथेन का यूज कहाँ पे होता है फ्यूल में होता है और इसको क्या बोलते हैं कॉम्प्रेस नेचुरल गैस में इसका यूज हो सकता है, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द सिंपलेस्ट कंपाउंड फॉर्म बाय कार्बन, कार्बन का सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड कौन सा है मीथेन, मीथेन एज अ फॉर्मूला देखो आप वापस आ गया, मीथेन का फॉर्मूला ये होता है हाइड्रोजन, एज यू नो दैट हाइड्रोजन हैज वैलेंसी ऑफ 1, कार्बन इज टेट्रावेलेंट बिकॉज इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन में कितने होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
वन टू थ्री फोर, और हाइड्रोजन कितने होते हैं, वन होते हैं। तो हाइड्रोजन हमेशा इसके साथ शेयर करेगा अपने एक इलेक्ट्रॉन, इसके साथ भी यहाँ पे देने की फॉर्म में कैसे बन जाएगा, इसका एक्सेस का स्ट्रक्चर बनेगा। कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट, देखो टेट्रावेलेंट है बिकॉज इट हैज अ फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इन ऑर्डर टू अचीव नोबल गैस कॉन्फिगरेशन कार्बन शेयर दीज इलेक्ट्रॉन विद फोर एटम ऑफ हाइड्रोजन। फिगर 4.5 में दे रखा है, कोई यहाँ पे आया है, ठीक है। Such bond which are formed by sharing of an electron pair between two atom are known as covalent bond। क्या होता है, वो मॉलिक्यूल के बीच में जब इलेक्ट्रॉन को शेयर होता है, x मान लो यहाँ पे y मान लो, ठीक है, दो मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल के बीच में जब इलेक्ट्रॉन शेयर होता है उसको क्या बोलेंगे, covalent bond। Covalently bonded molecule are seen to have a strong bond। जो covalent bond होते हैं वो बहुत strong होते हैं विद इन द मॉलिक्यूल, बट इंटर मॉलिक्यूल फोर्सेज आर वीक। लेकिन इंटर मॉलिक्यूल फोर्सेज क्या होते हैं, वीक होते हैं, यानी कि इनके जो बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो तो स्ट्रांग है, लेकिन इनके बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स है या जो भी फोर्स इनके अंदर लगते हैं वो थोड़े से वीक है। दिस गिव राइज टू लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज कंपाउंड, इस वजह से इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं या फिर मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो कम होते हैं। सिंस द इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन एटम and no charged particle are formed, क्योंकि charged particle form नहीं होता है। Such covalent compound are generally poor conductor of electricity, और इसी टाइप के जो covalent compound होते हैं उनमें electricity pass नहीं होती है। Next अपना topic है versatile nature of carbon, carbon का versatile nature पर देखेंगे, ये अपन topic अपने next class में देखेंगे। तब तक के लिए आज मैंने आपको जो भी read कराया है उसको अच्छे से read करना, तब तक के लिए stay home, stay safe, goodbye।